ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਆ ਕੇ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿਸਟਰੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਵਾਮ ਤੱਕ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਜੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਹੈ, ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਭਉ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ, ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਬੇਟਾ ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਕਾ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਚੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀ। ਭਈਆ ਤੂੰ ਆਪ ਯਹਾਂ ਕੌਨ ਸੀ ਕਕਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਮੈਂ ਫਿਫਥ ਕਲਾਸ ਮੇਂ ਪੜ੍ਹਤੀ ਹੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੋ ਆਪ ਯਹਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆਤੇ ਹੋ, ਯਾ ਕੈਸਾ, ਯੇ ਕੈਸੇ ਲਗਤੇ ਹੈ ਜੋ ਸੈਸੀ, ਕੈਸੇ ਜੋ ਸਿੱਖ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ, ਕੈਸਾ ਕੈਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪ? ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਸੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੈਸੇ ਲਗਤੇ ਹੈ ਆਪਕੇ? ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਤੋ ਆਪਕੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਤੇ ਯਹਾਂ ਸੇ ਆਨੇ ਕੋ? ਨਹੀਂ। ਆਪ ਕਿਆ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੋ? ਆਪਕੋ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਜੋ ਯਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਯੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਬਤਾਈਏ ਕਿਉਂ? आप जब आते हो तो आपको ये पुलिस वगैरह क्या कहती है, कुछ तंग करती है या कैसे? क्या कहते हैं? ये कहते हैं यहाँ मचाया करो, ये सारे आतंकवादी। ये जो किसान है आतंकवादी है? हाँ। तो आपको डांटते हैं ये यहाँ से? हाँ। कौन कौन आती हो आपका भाई? बहुत सारे बच्चे हैं, तो एक लड़का था उसके डंडे मार दिए थे, तो किसानों ने ना उनसे ये कहा बच्चों के क्यों मार रहे हो, लड़ना क्यों, तो हमसे लड़ो, तो वो कुछ नहीं बोले, फिर हम लोग चले आए थे। अच्छा, तो आपको लगता है ये सारे आतंकवादी होंगे जो आपको? नहीं। तो आपने उनको क्या बोला? हमने बोला आपके लिए आतंकवादी हैं तो रहें, पर हमारे लिए नहीं। क्या बात, जाने। अच्छा, तो वो क्यों बोलते हैं कि ये क्यों आतंकवादी, क्यों क्यों बोलते हैं? हम भी इसी देश के हैं, ऐसे क्यों कहते हैं? सरकार की बोली बोलते हैं, तो ऐसा गलत है ना अपने देश के। हम भी अपने घरों से बेघरों पर बैठे हैं, अपनी माँ के लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे भी घर हैं, हमारा भी दिल करता है अपने परिवार में रहें जैसे आप रहते हो। कौन किसका दिल करता है कि ऐसे आकर रास्ते में नीचे आकर सोने को, आकर बैठने को, दिन रात इतनी ठंड में बुजुर्ग हैं, लेडीज हैं, बैठी हैं, हैं गुजर भी चुके हैं, दुख होता है आपको? यस। क्या नाम है आपका? सपना। सपना, तो आपको लगता है ना ये गलत हो रहा है जो भी हो रहा है? मारने में दया नहीं होती, मारने में कायरता होती है। हाँ। मरने में दया होती है। हाँ, वो यूं करते हैं, ये नहीं सोचते गरीब लोग कर रहे हैं। वो अपने आप को सोचते हैं, हम जीता रहेंगे तो पूरी दुनिया जीता रहेगी, ये सोच रहे हैं। उनको गरीब के मरने की कोई चिंता नहीं, नहीं। तो पुलिस वाले सभी डांटते हैं, आतंकवादी बोलते हैं। हाँ, मैं तो यूं कहती हूँ, मुझे जो बोलता है कि आतंकवादी क्या बात है, भगवान से, ऊपर वाले से, आदमी से क्या डरना, वो भी इंसान होता है। ये लोग नहीं समझते, ये सोचते कि किसी गली के। अच्छा,
इनकी नज़र में ये कीड़े मकोड़े लगते हैं। पूरा ही बैग जा दे रहे हो तो बेटा आपको बिल्कुल आपको नहीं डर लगता, आप कैसे महसूस करते हैं? आपके परिवार वाले वो भेजते हैं आपको फिर जाकर पढ़ कर आओ, तो आपने उनको क्या बोला कि हम हमें तो वो पढ़ाते हैं इससे कैसे इंसान है हमारे बारे में क्या बोला? लगा बेटा आपसे बात कर कर, आपने अच्छी बात बताई जो भी हमसे बातें की। आप अगर दोबारा पुलिस वाले रोकेंगे बोलेंगे तो आप फिर भी आओगे? यस, मैं बोलूंगी मुझे जानता बनना ऐसा कान पर धरता रखूंगा जोड़ वाला उसके बाद यार मैं वो ना पटकने में पटकने बोलते मारने में बहुत तेज हूँ मैं। कितनी कितनी आयु है आपकी, कितनी उम्र है आपकी? मेरी एज है 9 साल। और आपकी? 9 दोनों। नहीं सुनो सर, लेकिन ये बात अंकल ये दोस्त है तो दोस्त की तरह रहेंगे ना। हाँ। दुश्मन बन जाएंगे, लेकिन एक दोस्त है मेरा वो दुश्मन बन गया 2 महीने बाद। और मेरी एक सहेली है उसे एक बार कुछ बोल देते सर। पुलिस को चाहिए कि दोस्त बात करेंगे, ऐसा नहीं उनको चाहिए आपके और हमारे बीच में लड़ाई नहीं करनी चाहिए ना। ठीक है, आपका बहुत अच्छा लगा। आप हम चाहते हैं आपकी बातें सभी के पास पहुंचे, क्योंकि आप बच्चे हो, आप दिल से बोलते हो, आपको किसी ने सिखाया तो नहीं ना। आप जो भी आपके साथ हुआ आप दिल से ये बात करते हो, वो जो दिल की बात है भगवान सुनता है, भगवान सुनता है तो पूरा आवाम सुनेगा, पूरी दुनिया सुनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बेटा, ऐसे ही आते रहो, पढ़ते रहो। वाहेगुरु जी की फतेह।